हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। आज क्लास 10 का मैथमेटिक्स का पेपर था, ठीक है। और इसमें स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स और बेसिक मैथमेटिक्स, दो तरह के मैथमेटिक्स होते हैं। तो अभी मैं आपको स्टैंडर्ड के बारे में बता रहा हूँ। स्टैंडर्ड में दो सेट थे, एक तो था 0 3 0 2 4 और दूसरा था 0 3 0 1 4। ये दो सेट थे। मैं पहले आपको फर्स्ट सेट यानी कि 0 3 0 2 4 के आंसर की आपको पहले बता रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये देखिए क्वेश्चन नंबर वन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर वन में, क्वेश्चन नंबर वन का फिफ्थ सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का डी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री का ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर फोर का सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर फाइव का आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन सिक्स का डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन सेवन का सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन एट का ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नाइन का बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन टेन का सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन इलेवन का सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन ट्वेल्व का बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन थर्टीन का भी बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन फोर्टीन का ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन फिफ्टीन का सी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन सिक्सटीन पे चलते हैं। क्वेश्चन सिक्सटीन का ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन सेवनटीन का सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन एटीन का ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 19 का बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 20 का ए ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 22 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 23 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 24 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 25 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 26 का बी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 का ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 का सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 का भी सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 का बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 31 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 32 का डी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद 33 पे चलते हैं। 33 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 34 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 35 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 36 का सी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद 36 के बाद 37 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 37 के बाद 38 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 39 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 40 का सी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद 41 में चलते हैं। 41 का डी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद 41 के बाद 42 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 43 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 44 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 45 का सी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद 46 के देखा जाए तो बी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद 46 के बाद 47 में बी ऑप्शन करेक्ट है। 48 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 49 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 50 का सी ऑप्शन करेक्ट है। ये इस तरह से सारे आंसर लिख दिए हैं मैंने। और ये था 0 3 0 2 4 का। अब मैं आपको बता रहा हूँ दूसरा वाला 0 3 0 1 4 का, ठीक है। 0 3 0 1 4 का, तो फर्स्ट आंसर का बी ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड का भी बी ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड का ए ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ का ए ऑप्शन करेक्ट है। फिफ्थ का डी ऑप्शन करेक्ट है। सिक्स का सी ऑप्शन करेक्ट है। सेवन का डी ऑप्शन करेक्ट है। एट का बी ऑप्शन करेक्ट है। नाइन का ए ऑप्शन करेक्ट है। टेन का डी ऑप्शन करेक्ट है। इलेवन का ए ऑप्शन करेक्ट है। ट्वेल्व का ए ऑप्शन करेक्ट है। थर्टीन का ए ऑप्शन करेक्ट है। फोर्टीन का सी ऑप्शन करेक्ट है। और 15 का सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट होता है। 16 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 17 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 18 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 19 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 20 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 21 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 22 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 23 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 24 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 25 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 26 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 27 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 28 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 29 का डी ऑप्शन करेक्ट है। और 30 का डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। 31 से स्टार्ट होंगे नेक्स्ट वाला। थर्टी वन में ए ऑप्शन करेक्ट है। 32 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 33 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 34 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 35 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 36 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 37 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 38 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 39 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 40 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 41 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 42 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 43 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 44 का ए ऑप्शन करेक्ट है। और 45 का बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम आगे चलते हैं, 46 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 47 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 48 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 49 का सी ऑप्शन करेक्ट है। और 50 का बी ऑप्शन करेक्ट है। तो आंसर की हुई
तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।